गुड मॉर्निंग बच्चों, के एलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हमें पुनरावर्तन लिए थे, ठीक है। पुनरावर्तन देख रहे थे, उसमें संवाद, ठीक है, पिता और पुत्र के बीच में संवाद जिस तरह चलता है, ठीक है, मतलब पिताजी अपने पुत्र को क्या आदेश दे रहे हैं परीक्षा के समय, ज्यादा से ज्यादा समय हम क्या करना है, पढ़ने में ही उपयोग करना है, ठीक है। तो इसके बारे में पिताजी क्या कर रहे हैं, अपने पुत्र को समझा रहे हैं। दोनों के बीच में जिस तरह वह संवाद चलता है, ठीक है, वह एक। और एक दूसरा, अब आप बाजार में कोई फल खरीदने के लिए गए हैं, समझ रहे ना, या बाजार गए हैं और उधर आप फल खरीदने के लिए गए हैं, ठीक है। तो उस समय आप फल वाले के साथ जिस तरह आपका संवाद चलता है, समझ में आ रहे ना। उदाहरण के लिए हम कल सेब, ठीक है, और अनार, मतलब एक ग्राहक बाजार में जाकर सेब और अनार खरीदने के लिए उन्होंने बाजार गया है, तो उधर फल वाले के साथ उन्होंने जिस तरह व्यवहार करता है, उस संवाद को भी हम कल चर्चा किए थे बच्चों। तो आज इस कक्षा में हम क्या करेंगे, और एक नया व्याकरण भाग, ठीक है, नया विषय पर हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए बच्चों, देखेंगे। अब इधर मैं आपको एक प्रश्न होता हूँ, देख लो जिस तरह है प्रश्न होता है, क्या शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग एवं मूल शब्द, समझ में ना, मतलब उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो इस तरह प्रश्न आए तो इसका हल हम जिस तरह करना है, समझ में ना। शब्दों में प्रश्न देखो जिस तरह आता है, दिए गए शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। इस तरह प्रश्न आया, व्याकरण भाग में यहाँ प्रश्न आया तो जिस तरह इसका हल करना है। उदाहरण के लिए बच्चों, मैं इधर कुछ शब्द लिखता हूं, अपयश, ठीक है, अपयश, समझ में ना, और अपयश आजन्म अनुशासन सुगंध देकर आपको प्रश्न क्या रहता है, इन शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। इस तरह प्रश्न है तो आप जिस तरह उसका हल कर ले, है ना। देख लो, अरे अप अधिक यश, क्या होता है शब्द देख लिए आप, ठीक है, में दिए है आपको, तो उसका क्या करना है, हल करना। तो इस तरह हल करने से पहले आप क्या करना है, ऊपर, ठीक है,
अलग करके लिखना है, पहला देना है ऊपर क्या उपसर्ग और एक है मूल शब्द, है ना, उपसर्ग और एक मूल शब्द, ठीक है। तो इस तरह आप क्या करना है, भाग करके लिखना। अपयश, उपसर्ग क्या है अपर और मूल शब्द यश, ठीक है, अपयश। आजन्म, आ और मूल शब्द जन्म, समझ में आ गया। अनुशासन, अनुशासन अनु और शासन, ठीक है। इस तरह आप क्या करना है, इन शब्दों को उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। सुगंध, सु अधिक पर सु मूल शब्द गंध। औगुण, औ क्या है उपसर्ग और गुण मूल शब्द। इस तरह बच्चों आप क्या करना है, उपसर्ग और मूल शब्दों अलग करके लिखना है, इसी तरह लिखना है, समझ में आ रहे ना। ऐसा प्रश्न आए तो उसमें उपसर्ग और मूल शब्द इस तरह दो भाग कर लेना है, समझ में आ रहे ना, दो भाग करके अपयश इस शब्द में उपसर्ग क्या है अप और यश मूल शब्द, उसी तरह आ अधिक जन्म, सॉरी आ मूल शब्द जन्म मिलाकर क्या हुआ है आजन्म, अनु और शासन मिलाकर क्या हुआ है अनुशासन, सु और गंध मिलकर क्या हुआ है सुगंध, औ और गुण औगुण, ना एक और व्याकरण भाग में इस तरह अनेक भाग पर, ठीक है। व्याकरण भाग का जो पार्ट रहता है प्रश्न पत्र में, व्याकरण भाग में ये सभी, ठीक है, भागों पर आपको क्या होता है प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और ये हुआ उपसर्ग और मूल शब्द, मूल शब्द और एक बच्चों उसी तरह उसमें और एक प्रश्न आता है, जिस तरह अब ये उपसर्ग और मूल शब्द, मूल शब्द हुआ उसमें और एक क्या आता है, वो मूल शब्द और प्रत्यय, ठीक है। दिए गए शब्दों में क्या पूछते हैं उन्होंने प्रश्न, प्रयुक्त प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए, ठीक है। दिए गए शब्दों में प्रत्यय और प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए, ठीक है। एक दिए गए शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए, पहला प्रश्न क्या था, उपसर्ग और मूल शब्द, समझ में रहे ना। और इसमें क्या है प्रश्न, प्रत्यय और मूल शब्द, ठीक है। उदाहरण के लिए शब्द मैं इधर देता हूं आपको, जिस तरह प्रश्न आते हैं, ठीक है। त्यागी, ठीक है, पहना, तीसरा गतिमान, आवश्यकता, मनुष्यत्व, ठीक है। इसमें क्या दिए उन्होंने भाग, प्रत्यय, ठीक है,
प्रत्यय और मूल शब्द चलता है, आगे पीछे हो सकता है, कौन सा भी लिखो, मूल शब्द और प्रत्यय। ठीक है, देख पहला इधर है, पहला शब्द इधर मैं लिखता हूं, ले देता हूं। क्या होता है बोलते हुए आप देखेंगे? ठीक है, बोलने के तो नहीं होता, देखना है। इधर देख लो मूल शब्द, ठीक है, मूल शब्द क्या है? एक उदाहरण मैं समझाता हूं, पहला शब्द त्याग, पहला शब्द त्याग। ठीक है, प्रत्यय क्या है उसमें? ई। ठीक है, देख लो कहता हूं, त्याग अधिक ई, इस तरह भी लिख सकते हैं आप जानने के लिए, त्याग अधिक ई। ठीक है, इस तरह का यह उधर आया, मूल शब्द क्या है? त्याग। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय क्या है? ई, मिलाकर शब्द मिलकर क्या हुआ है? शब्द त्यागी। ठीक है, और उसी तरह पहनाव, ठीक है, पहनाव उसमें देखो दूसरा शब्द पहना, ठीक है, प्रत्यय आवा, पहना प्रत्यय आवा, पहनावा। ठीक है, और तीसरा गतिमान, ठीक है, तीसरा शब्द गतिमान है ना, उधर क्या होता है? गति प्रत्यय मान, ठीक है, गतिमान। ठीक है, इधर देखो फोर्थ वन, आवश्यकता है, अवश्य अवश्य आवश्यक, आवश्यक प्रत्यय क्या है? ता, आवश्यक प्रत्यय ता, क्या होता है? आवश्यकता। ठीक है, और पांचवा अंत में मनुष्यत्व है, ठीक है, मनुष्यत्व क्या होता है? मूल शब्द है मनुष्य, मूल शब्द है मनुष्य। ठीक है, और प्रत्यय त्व, प्रत्यय त्व क्या हुआ? मनुष्यत्व। समझ रहे ना? एक प्रश्न है बच्चों, तो आपको व्यवहारिक व्याकरण इस तरह 16 अंक का पार्ट होता है प्रश्न पत्र में, समझ रहे ना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऐसे अनेक प्रश्न देख सकते हैं, इसलिए देख कर आप क्या करना है, समझ लेना, समझ रहे ना। ठीक है, निकालता हूँ अभी, अच्छा इसमें आगे और संधि का एक देखिए, ठीक है, प्रश्न, ठीक है, शब्दों के विग्रह करके संधि का नाम बताइए। विग्रह करके संधि का नाम बताइए, उदाहरण, ठीक है, एक एक ऐसे शब्द होते हैं बच्चों प्रश्न प्रश्न पत्र, एक एक और सोमेश्वर और
सोमेश्वर और देवालय ठीक है और स्वागत ठीक है स्वागत या मनवंतर मनवंतर देख लो बच्चों जिस तरह विग्रह करके संधि का नाम बताइए जिस तरह शब्द होते हैं आप क्या करना है उन शब्दों को विग्रह कर विग्रह करना मतलब गिड़ी विग्रह उसी तरह एक एक क्या होता है एक अधिक एक ठीक है एक एक जिस संधि को उदाहरण है ठीक है आगे सोम अधिक ईश्वर सोमेश्वर सोमेश्वर है ना पहला ठीक है सोम अधिक ईश्वर सोमेश्वर गुणसंध ठीक है देवालय देव अधिक आलय देवालय दीर्घ सन मनवंत मनो अधिक अंतर मनवंत ठीक है शब्द हो तो आप क्या करना है इस तरह विग्रह करना ठीक है विग्रह करना विग्रह करके संधि का नाम बताना समझ में आ रहे ना ये तो क्या है विग्रह करके संधि का नाम बताइए प्रश्न आए तो इस तरह बच्चों लिखना है उदाहरण के लिए मैं आपको मतलब प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न आए तो इस तरह क्या करना है उदाहरण दे रहा हूं इस तरह लिखना है ठीक है और एक है निर्देशानुसार वाक्य बनाना ठीक है निर्देशानुसार वाक्य बनाइए निर्देशानुसार वाक्य बनाइए उदाहरण के लिए तेरी चिट्ठी आई है ठीक है प्रश्नवाचक ठीक है मतलब यह वाक्य प्रश्नवाचक में बदलना है प्रश्नवाचक में ठीक है यह तुमने क्या किया ठीक है विस्मयवाचक में ठीक है विस्मयवाचक में बहुत से अधिकारी ईमानदार ईमानदार होते हैं निषेधवाचक
निषेधवाचक। इस तरह प्रश्न है तो देख लो बच्चों क्या करना है। निर्देशानुसार मतलब वाक्य के आगे ऑर्डर दिए हुए क्या करना है। ठीक है, पहला वाक्य मेरी चिट्ठी आई है, इसमें इस वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलना है। देख लो पहला क्या होता है, मेरी चिट्ठी आई है प्रश्नवाचक, समझ में ना, क्या क्या मेरी चिट्ठी आई है, क्या मेरी चिट्ठी आई है। ठीक है, दूसरा यह तुमने क्या किया, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक मतलब आश्चर्य बोलते ना। ठीक है, उफ, ठीक है, उफ तुमने, उफ तुमने क्या किया। आगे तीसरा, बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं, निषेधवाचक वाक्य होते हैं, बहुत से अधिकारी ईमानदारी होते हैं। तीसरा, बहुत से अधिकारी, बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं। यह तुमने क्या किया। तो इस तरह ये प्रश्न है तो क्या करना है, आपको इसका उत्तर इस तरह लिखना है। मतलब प्रश्न का इस वाक्य होता है उसे क्या करना है आगे रहती ऑर्डर, समझ में रहना। ठीक है बच्चों, इस तरह ग्रामर भाग में ये प्रश्न आए तो आप क्या करना है तो उसका उत्तर आप पुनरावर्तन कक्षा में देख कर, ठीक है, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो आगे और एक अगला विषय अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।